आपकी तवज्जो चाहिए। वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया जी, लेकिन मांगना पड़ता है। काम बड़ा हैवी है जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है। लैपटॉप पे आप बड़ा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। अब पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े बड़े उधर साहब किताब है। हम लोग तो 521A2 शैल बी ओमिटेड, उसकी रीजन क्या है वो आपको बता देते हैं जी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और उसमें वजीर आजम साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। देखिए, एक तो सरकार के पास पहले स्पीकर साहब का खाता हमारा खराब है, इमरान खान साहब ने गुनाह कर दिया था, हेल्थ कार्ड दे दिया था लोगों की सपोर्ट के लिए, वो तो खैर आपने बंद किया, मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको बराए करम जारी कीजिए। यहाँ अमेंडमेंट बड़ी अहम है, मैं उसकी ब्रीफिंग बता रहा हूँ। आपने दो मिनट, सरकार के काम बड़ा है जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है, तो सरकार के पास पहले फंड्स मखदूश हैं। सारी दुनिया में हम जो है फंड्स के लिए फिरते रहते हैं, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया जी, लेकिन मांगना पड़ता है कौम के लिए। तो यहां अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी अस्पताल या आपके किसी टर्शरी हेल्थ केयर के लिए कोई अल्लाह का वली एक्सरे मशीन देना चाहता है, एंडोस्कोपी के लिए कोई इक्विपमेंट देना चाहता है, कोई हार्ट सर्जरीज के लिए कोई इक्विपमेंट्स देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो यहां इस अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि खुद तो कुछ दे नहीं सकते, और अगर कोई नॉन प्रॉफिट एनजीओस आपके अस्पतालों में यानी हमारे अस्पतालों में आपको डोनेशन दे रही है, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम अज कम उन पर फरमाएं कि अगर बाहर से कोई एनजीओ आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट कर रही है, the word 58 shall be omitted। सर ये बड़ा अहम है, सर ये बड़ा अहम है। स्वी गैस रमजान के महीने में जनाब अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं थी, ईद अल अजहा के टाइम पे बिजली और गैस नहीं थी। आज भी आप चले जाए लाहौर में, चले जाए जनाब कराची में, चले जाए हमारे कराची से दोस्त आए हुए सारे इलेक्ट्रिक, स्वी गैस तो है नहीं, उसके हल के लिए लोगों ने बेचारे जाके गरीब आदमी जाके एलपीजी खरीदता है। तो ये an increase of 8% tax is being proposed in LPG, sir. आपके सारे पॉइंट्स आ गए। That's increasing the prices for consumers. तो गैस तो हम दे नहीं पा रहे, तो LPG पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? गरीब की थोड़ी सी तो मतलब है, हर जगह से आपने उसको गर्दन से पकड़ना है। मुबीन आरिफ साहब, खोलें जी, खोलें जी। आखिरी बात है, मुझे पता है कलम से कोई आपकी पता नहीं कोई दुश्मनी है पढ़ने लिखने से, मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ये आदमी जिसकी तस्वीर लगी है वो भी कलम का मजदूर था, बैरिस्टर था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कलम पे टैक्स ना लगाएं, रबर पे टैक्स ना लगाएं, पेंसिल पे टैक्स ना लगाएं, इससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये जो आखिरी है, लैपटॉप पे आप बड़ा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। मेरी अमेंडमेंट ये है कि आप ये जो करने जा रहे हैं 5(2)(2) शैल बी ओमिटेड, क्यों? Increase in taxes being proposed on laptops and computers. तो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप है उनके पास, कंप्यूटर वो खरीदना चाह रहे हैं, सबको तो आप नहीं दे पा रहे ना, बेचारे अपने पैसे इकट्ठे करके लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं, आप उनकी भी गर्दन बेचारे स्टूडेंट्स की पकड़ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू मुबीन आरिफ साहब पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए। खोले माइक जी, 15 सेकेंड्स। तो मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, पोलिटिकल कमेंट्स असाइड, बच्चों के दूध पे, स्टेशनरी पे जी, और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे, खासकर एनजीओ जो आपको देना चाह रहे हैं उस पे, लैपटॉप्स पे और एलपीजी पे प्लीज टैक्स ना लगे। पाकिस्तान छोड़ने वाले 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1, मजदूरी के लिए, आपको भी पता है, पता है, मजदूर अगर वो टैक्स देने के काबिल होता वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाता। तो सर एक तो उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है मजदूरों के लिए, जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसमें नहीं आते स्कोर में, तो मेहरबानी फरमा के आप उनको जरूर इससे एग्जेम्पशन दें कि मजदूर अगर मुल्क से बाहर जाता है ट्रेवल तो उसको इजाजत। नंबर 1। नंबर 2 इसमें सर, जो लोग उमरा के लिए, जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी, जो लोग उमरा हज या जो हमारे फिक्र जाफरिया के भाई बहन जाते हैं, जायरीन जो इराक या ईरान जाते हैं, उसमें अक्सरियत
वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि आखिर में मेरा दीन गरीब हो जाएगी, गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं अमीरों की नस्बत। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो जा रहे हैं हज उम्रा और ज़ायरीन जो जा रहे हैं उनको आपस में ना लेके आएँ। अब पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े बड़े उधर हिसाब किताब है, हम लोग तो ज़ाहिर है हम पे क्यों लगाते हैं और उस पे स्टूडेंट्स पे। एक इसमें आपने तनख्वाहदार बेचारे ने गुनाह किया है, वो टैक्स दे रहा है, तो उसकी गर्दन दबाई जाओ, ये सारे बैठे दबाई जाओ, तो मजीद ना दबाएं। ये 63(a)(1)(b) है कि न्यू टैक्सेशन ऑन सैलरी पे प्लीज ना करें, वो पहले ही बेचारे मरे पड़े हैं। यस वी सपोर्ट यू इन ब्रॉडनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्स नेट, बट प्लीज डोंट ओवर बर्डन द स्पेशली फ्रॉम BPS 1 to BPS 16। 116 वाले को आप ये 17, 18, 19, 20 और 21, 22 वाले जो हैं उन पे अगर कोई बढ़ाना है बढ़ाएं, लेकिन 116 तो कम से कम मजीद ना बढ़ाएं। और एक और चीज है, ये आपने सारे पॉइंट्स को टच कर लिए। 663 आखिरी जी 663(c)(1) है और इस पे देखिए जी, ये आपको किसने कह दिया कि मोबाइल सिर्फ मालदार यूज करता है? रेडी बांग के पास मोबाइल है, छाबड़ी फरोश के पास मोबाइल है जी, जो आपका डेली वेजर है उसके पास मोबाइल है, जो गधा गाड़ी चला रहा है उसके पास मोबाइल है, हर आम आदमी जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, 100 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, किसी खेत में किसान बैठा हल चला रहा है, कभी कभी उसका भी पूछ लिया करें। वैसे किसानों से आपकी पत्नी अजली दुश्मनी है जो इस दफा आपने किसानों के साथ किया है, तो ये हो गया, आ गया सर, ये अली साहब खोले सर, ये जो आप बढ़ा रहे हैं 15 से 75% आप मोबाइल पे बढ़ा रहे हैं, तो वो बेचारा पहली मरा पड़ा है, उसने किसी मजदूर ने अपनी वाइफ से कोई बात करनी होगी जी, तो उसको बेचारे को क्यों तकलीफ देते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे अहम, आज बस सिर्फ 30 सेकंड, आज दुनिया हमसे क्यों आगे है, आज दुनिया हमसे क्यों आगे, 75 साल में वी हैव नॉट बीन एबल कि हम हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का जवाब दे सके पाकिस्तान से। आज भी बैरिस्ट्री करके फख्र महसूस करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर बैरिस्टर, बट ये चीजें चेंज करें। वो वक्त कब आएगा जब बाहर से रिसर्चर आएगा पाकिस्तान की डिग्री लेकर फख्र करेगा कि मैं लंदन में फिर रहा हूं लेकिन मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है। तो यहां जो बेचारा रिसर्चर है, जो टीचर है, उसकी रिसर्च जो टीचिंग पे, उस पे क्यों आप टैक्सेशन कर रहे हैं? इसको तो आप रिलैक्स करें ताकि लोग रिसर्च की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ जाएं। मुझे नहीं पता नून लीग की इस कलम से क्या दुश्मनी है जिस पे अल्लाह कहता है कि नून। थैंक यू फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ब्रीफ स्टेटमेंट दे दीजिए इसके ऊपर। जी सर।